हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हाटिया झारखंड तक चलने वाली मुंबई हाटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई हाटिया एक्सप्रेस के बारे में। इसे मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस हाटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी कहते हैं। इसका ट्रेन नंबर है 128/11। यह 27 घंटे 45 मिनट में मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हाटिया, जो कि रांची के पास का एक स्टेशन है, हाटिया झारखंड तक ये ट्रेन जो है चलती है। हफ्ते में दो दिन चलती है लोकमान्य तिलक टर्मिनस से। हर इतवार और सोमवार को ये हाटिया के लिए रवाना होती है और इसके तकरीबन 18 स्टेशन हैं। मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हाटिया की जो दूरी है वो तकरीबन 1700 किलोमीटर के करीब जो है ये कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 61 किलोमीटर पर आवर और ये सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, यानी कि आपकी टिकट में जो है सुपरफास्ट चार्ज भी साथ में जोड़ा जाता है। और इसमें सेकेंड ए सी, थर्ड ए सी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात करें तो मैं जो अभी आपको इसका टिकट किराया बताऊंगा वो मुंबई से हाटिया तक का कोचेस वाइज किराया बताऊंगा कि सेकेंड ए सी, थर्ड ए सी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास का मुंबई से हाटिया तक का क्या किराया है और उस किराए की मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, किराया ब्रेक करके बताऊंगा। तो आगे हम बात करेंगे इसके कोचेस वाइज इसके टिकट किराए के बारे में। सबसे पहले इसका जो सेकंड एसी के कोच का इसके टिकट किराए के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड एसी का जो मुंबई से हाटिया तक का जो टोटल किराया है वो है 2675 रुपये, जिसमें 2492 रुपये तो 52 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है और 128 रुपये जो है GST चार्ज है। दोस्तों ध्यान रहे, जो GST चार्ज होता है वो सिर्फ AC कोचेस में शामिल होता है, स्लीपर और जनरल अंडरसोल्ड डिब्बों में GST चार्ज नहीं लगता। तो जो थर्ड AC का टोटल किराया वो है 1860 रुपये, जिसमें 1686 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, 45 रुपये सुपरफास्ट चार्ज है और बाकी 90 रुपये के करीब जो है वो GST चार्ज है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के भी कोच हैं। स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 13 कोचेस हैं, जिसका मुंबई से हाटिया तक का जो किराया है वो है 710 रुपये, जिसमें 660 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है। तो इसका टोटल किराया जो है 710 रुपये है। इसके अलावा इसमें 4 से 5 जो है जनरल अंडरसोल्ड डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है 400 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर कन्फर्म कर लें। इसके अलावा इसमें पेंट्री कार भी शामिल है, जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यह फूड फैसिलिटी के जो चार्ज है आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं ट्रेन के अंदर ही, टिकट के अलावा भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हाटिया झारखंड तक चलने वाली मुंबई हाटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। ये जो ट्रेन है मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस हाटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 128/11, ये जो ट्रेन है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से, जिसका स्टेशन कोड है LTT, यहाँ से हर इतवार और सोमवार को रात के 12:15 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। और ये जो ट्रेन है तकरीबन 27 घंटे 45 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। उसके बाद मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस हाटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है अपने दूसरे स्टेशन थाने महाराष्ट्र में रात के 12:32 पर पहुंचती है और 12:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है ये ट्रेन। थाने स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है TNA। इसके बाद मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस हाटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो कल्याण जंक्शन में पहुंचती है। कल्याण जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 12:57 पर पहुंचती है और 1 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 34 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है ये ट्रेन। और कल्याण जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है KYN। इसके तकरीबन कल्याण जंक्शन से 132 किलोमीटर दूर जो है ये अपने चौथे स्टेशन पे पहुंचती है। इसका जो चौथा स्टेशन है मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस हाटिया सुपरफास्ट का चौथा स्टेशन है वो है नासिक रोड महाराष्ट्र, जिसका स्टेशन कोड है NK। नासिक रोड में ये रात के 3:30 पे पहुंचती है और 3:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहां तक की जो टोटल दूरी है ये 166 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद नासिक रोड के बाद ये ट्रेन जो है अपने 5वें स्टेशन, जिसका नाम है मनमाड़ जंक्शन, मनमाड़ जंक्शन में मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस हाटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है
सुबह 4:27 पे पहुंचती है और 4:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 240 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है ये ट्रेन। और यहां पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। मनमाड़ जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है MMR। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 6वें स्टेशन भूसावल जंक्शन महाराष्ट्र में पहुंचती है सुबह 7 बजे और 7:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 424 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। भूसावल जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है BSL। यहां पर ये ट्रेन जो है हर मंडे को रीवा वडोदरा महामाना एक्सप्रेस के साथ इस ट्रेन की क्रॉसिंग भी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 7वें स्टेशन अकोला जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है AK यहां पर सुबह 8:50 पे पहुंचती है और 8:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस हाटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो भंडेरा जंक्शन महाराष्ट्र में सुबह 10:32 पे पहुंचती है और 10:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 642 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है ये ट्रेन। और भंडेरा जिस जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है BD। इसके बाद ये ट्रेन जो है वर्धा जंक्शन महाराष्ट्र में सुबह 11:52 पे पहुंचती है और 11:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 736 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नागपुर जंक्शन महाराष्ट्र में पहुंचती है दोपहर के 1:40 पे और 1:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 816 किलोमीटर की यात्रा जो है ये मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से महाराष्ट्र के नागपुर जंक्शन तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र के आखिरी स्टेशन गोंदिया जंक्शन में पहुंचती है। गोंदिया जंक्शन में मुंबई हाटिया एक्सप्रेस जो है दोपहर के 3:40 के करीब पहुंचती है और 3:41 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में एंटर करती है। छत्तीसगढ़ के पहले स्टेशन दुर्ग जंक्शन में ट्रेन जो है शाम के 5:45 पे पहुंचती है और 5:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1081 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है ये ट्रेन। उसके बाद ये ट्रेन जो है रायपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ में शाम के 6:25 पे पहुंचती है और 6:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। रायपुर जंक्शन जो है इस ट्रेन का 13वां स्टेशन है। यहां तक की जो टोटल दूरी है ये 1118 किलोमीटर के करीब जो है ये मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रायपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है BSP यहां पर ट्रेन जो है रात के 8:15 पे पहुंचती है और 8:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रायगढ़ छत्तीसगढ़ में पहुंचती है रात के 10:17 पे और 10:19 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1361 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है ये ट्रेन। उसके बाद ये ट्रेन जो है ओडिशा में एंटर करती है। ओडिशा के पहले और सेकेंड लास्ट स्टेशन झारसुगुड़ा जंक्शन में रात के 11:40 पे पहुंचती है और 11:42 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1433 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और झारसुगुड़ा जंक्शन जो है इस ट्रेन का 16वां स्टेशन है। इसका स्टेशन कोड है GSG। उसके बाद ये ट्रेन जो है ओडिशा के आखिरी स्टेशन रौलकिला जंक्शन में रात के 1 बजे के करीब पहुंचती है और 1:09 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1534 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस हाटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन हाटिया झारखंड में सुबह 4 बजे पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हाटिया की जो दूरी है ये 1700 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस हाटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस का वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों यहां तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अन्य और उस वीडियो बनाओ तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। और अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें
और मेरी बाकी अन्य वीडियोस को भी देखें और लाइक और शेयर जरूर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।